हेलो दोस्तों, मन विज्ञान केंद्र की तरफ से हम आपके लिए और एक नई एक्टिविटी लाए हैं। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपके पास एक बॉटल होनी चाहिए, ठीक है, और एक कॉर्क होना चाहिए कुछ इस प्रकार का। और उसके साथ ही हमें विनेगर लेना है एक बॉटल में, और उसके साथ साथ आपको एक टिश्यू पेपर भी चाहिए कुछ इस प्रकार का। ये सारी चीजें हमें घर में आसानी से मिल जाती है, तो चलिए एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक टिश्यू पेपर लेना है कुछ इस प्रकार का, और उसके बाद टिश्यू पेपर को नीचे रखना है, और इसके ऊपर हमें जो हमारा बेकिंग सोडा है उसको डालना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको इसको सबसे पहले फोल्ड करना है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ऐसे फोल्ड करना है ताकि ये बाहर ना निकले। अच्छे से फोल्ड करने कर लेना है इसको, ठीक है। उसके बाद क्या करना है इसको उसके बाद क्या करना है आपको इस बॉटल के अंदर विनेगर लेना है। आपको इसमें लगभग या इतना विनेगर लेना है 1/4, ठीक है, 25% विनेगर लेना है। और इसके अंदर जो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको अंदर डालना है, ठीक है। याद रखिए कि ये विनेगर से डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, ठीक है। कुछ इस प्रकार से इसको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जो कॉर्क है, कॉर्क को यहाँ पे लगाना है कुछ इस तरह से, इसको यहाँ पे फिट कर लेना है, ठीक है। अभी फिट करने के बाद क्या करना है आपको, जो हमारे पास बॉटल है उसको उल्टा कर लेना है, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो मैं इसको यहाँ पे उल्टा रखने जा रहे हैं। दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि जैसे ही जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जैसे ही वो विनेगर के कांटेक्ट में आता है, वैसे ही वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा निकलता है। और आपको न्यूटन का थर्ड लॉ पता है, जितनी ज्यादा एक्शन होगी उतना ही ज्यादा रिएक्शन होगा। तो इसी वजह से जो बॉटल है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से ऊपर गई। तो आई होप ये एक्टिविटी आप सभी को पसंद आई होगी। थैंक यू।